शरद पार से खबर है, इससे पहले कि मैं शेयर करूं, क्लिप रेडी होगा? हाँ, जरा चलाइए। पूरी पूरी फैमिली की यही दुआएं थी कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया फाइनल वाले दिन बांग्लादेश के लोग ये ख्वाहिश कर रहे थे कि इंडिया हार जाए। भैया, जब से इन बांग्लादेशियों को एक्सपोज किया मैंने, तब से बांग्लादेशियों ने मेरे पे आक्रमण कर दिया, मुझ पे हमला कर दिया। और भाई लोगों ने मेरे ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए। सुनते जाइए, इन पागलों को इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि मैं जब वीडियो में बोल रहा हूँ मुझे बंगाली नहीं आती है, तो 90% वीडियो इन्होंने बंगाली में बनाए। और सुने, एक आधे ने हिंदी में बनाए, एक आधे ने इंग्लिश में बनाए। अब इनको रोकना होगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं प्रोपेगेंडा चला रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं फरेब कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये वीडियो फेक है, ये बांग्लादेश का वीडियो नहीं है, ये कहीं और का वीडियो है, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये सबूत तुम खुद देख लो और बंगाली में भी सुन लो। तुम सब समय कमबैक करते पारे, साउथ अफ्रीका ভালো খেলেছে, এক্সপেকটেশনের চেয়ে ভালো খেলেছে, হয়তো অল্পের জন্য হয়নি, বাট ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম হবে। অ্যাটাকিং ক্রিকেট খেলছি, আই লাইক টু অ্যাপ্লড দেম ফার্স্ট অফ অল, যে উই ডিডন্ট গেট বট ডাউন বিকজ ফার্স্ট অফ অল প্রথমে তো দুটো উইকেট পড়ে গেছিল, অনেক টিমিড ক্রিকেট খেলতো, আমরা এটা করি নাই। কিন্তু আসলে দুর্ভাগ্যবশত খুব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে সাউথ আফ্রিকা সেই অর্জনটা অনেকটা চেষ্টা করেছিল আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য, শেষ পর্যন্ত আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে দিয়েছি, তবে শেষে বুমরার বল এবং ইন্ডিয়ার যে কামব্যাকটা ছিল, 4 ওভার 5 ওভার বাকি ছিল, অ্যান্ড দেন রানা বল ছিল, বাট উই কুডেন্ট ফিনিশ দ্য জব অফ, বাট দেন এগেন আই থিঙ্ক we made progress since আমরা আজকে ফাইনাল খেলতেছি, ইনশাআল্লাহ সবাই তো ফার্স্ট টাইমে। হ্যাঁ, তো ইস্ট পাকিস্তানিও কলেজে মে ঠান্ডক পড় গই, ইয়ে তো তোমারে বাংলাদেশী হ্যায় বাংলা বল রহে হ্যায় আর মে ঝুট ফেলা রহা হুম, মে প্রোপাগেন্ডা ফেলা রহা হুম। আবে জাহিলো, বেশরমো, শরম আনি চাহিয়ে তোমারে কো, এক তো কুকর্ম করতে হো আর উপর সে জলিল ভি হামারে কো করতে হো, হামারে কো ঝুটা বলতে হো। জবরদস্ত জবরদস্ত জবরদস্ত। আর পাকিস্তান ওয়ালে ভি 95% সে জাদা লোক সাউথ আফ্রিকা কো আপনা আব্বু বনা কে বেঠে হোতে, উনকা তো খের বনতা ভি হ্যায় ক্যোকি ভো হামারে রিয়াইতি হরিফ হ্যায়, হামারে দুশমন হ্যায় আর সাজিশে করতে রহতে হ্যায় হামারে খিলাফ, साम दाम दंड भेद जितना हो सकता है उतना आग लगाने की कोशिश करते हैं। मुझे पाकिस्तानी को बुरा लगता ही नहीं है, देखिए इन पाकिस्तानियों को भी। किसको सपोर्ट कर रहे थे? साउथ अफ्रीका को। आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? साउथ अफ्रीका। हाँ, इन सब के बाप साउथ अफ्रीका बना था, और नहीं तो क्या। और सबसे कमाल की बात है कि ये रोज बाप बदलते रहे, कभी ऑस्ट्रेलिया को बाप बनाया, कभी इंग्लैंड को बाप बनाया, लास्ट में जाके इन्होंने अफ्रीका को बाप बनाया। लेकिन किस्मत देखिए इनकी, इन्होंने जिनको भी बाप बनाया ना वो इनकी माँ को छोड़ के भाग गया, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो। आप यकीन मानेगा, पाकिस्तान में और बांग्लादेश के अंदर बर्नोल के स्टॉक खत्म हो गए, ब्लैक मार्केटिंग में बिक रहा है बर्नोल। अल्लाह तोबा। मोदी सरकार ने कहा ठीक है, हम ट्रक भर भर के भिजवा देंगे। बर्नोल की सख्त आवश्यकता है बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, 4 दिन हो गए लेकिन इनका दर्द कम ही नहीं हो रहा है। और वो कहते भी तो है जलने वालों की और जलाओ, तो सालों तुम ऐसे जलो। किकड़ को 3 बंदों ने तबाह किया। किन किन ने, जरा सुनिए। सबसे पहले जुआरिया, अच्छा, उसके बाद ये मीडिया, सोशल मीडिया, सुनते जाइए। तीसरा वो जो पाना सीते वाले दुकान पे बाबा नहीं धोती पहन के देखता, अच्छा उतर की हो रहा है जी, मैच लगा, अच्छा चिका मारा बाबा जी। तो देखा आपने, एक मुल्क है, 2 रहनुमा है, एक सरापा नफरत है, दूसरा सरापा मोहब्बत है, एक इंतजार की बात करता है, मार धाड़ का प्रचार करता है, और दूसरा जोड़ने और जख्मों पर मरहम रखने का दर्स देता है। जब बात पाकिस्तान की आ जाए ना, तब फिजा खलीफा का जो आप स्वर देखेंगे ना, बहुत नरम हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इसके जैसी मासूम औरत पूरे संसार में नहीं है, क्योंकि ये है डॉक्टर फर्जी खलीफा। दिस इज डॉक्टर फिजा अकबर खान। मालूम है तेरे बाप को, मत चल। आज मैं बात करना चाहूंगी अपनी डॉक्टरी से रिलेटेड। छोड़ें इस बात को, और बहुत से टिप्स है मेरे पास जो कि मैं तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मारूस निकला। आज हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से। कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसका नाम सुनते ही हर बंदा घबरा जाता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। एग्जैक्टली मैक्सिमम आप दवाइयों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि घरेलू चीजें जो है, घरेलू टोटके जो है, उनसे आप अपने इलाज को आगे मतलब बढ़ाने की कोशिश करें। अरे किस तरह का जादू टोना चल रहा है और क्या चल रहा है फिजा बेबी? हनीमून पीरियड अभी तक चल रहा है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। ये जो फाइनल हुआ साउथ अफ्रीका और इंडिया का, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? साउथ अफ्रीका को। आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? साउथ अफ्रीका। वजह क्या है साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने की? टीम बहुत अच्छी है, इंडिया से बहुत आगे है वो टीम, बहुत बहुत बड़ी टीम। अच्छा, इंडिया से की बेहतरीन टीमों में वो टीम है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाई। उनके साथ हर दफा मुश्किल होती है, जब भी उठा के देख ले क्रिकेट
कोई भी टूर्नामेंट में उनके साथ बारिश ने अटैच किया, इंपायरों ने बेईमानी की। ये लास्ट मैच जो है ये फाइनल फाइनल में लाइन पे नहीं था उसका पांव। नहीं देखें मेरी बात सुने, एक मिनट नहीं, ये मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे भी ये बात चल रही है कि भाई बाउंड्री को पाउंड टच हो गया था सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ते हुए। इवन साउथ अफ्रीका से कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी ऐसी वीडियो बनाई थी। बट मैं अंकल जी मुझे ये बताएं, वहां पे इतने अंपायर हैं, इतने कैमरे लगे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने कैमरों के पास? इंडिया अनुवाल है, अनुवाल है आईसीसी में, वो अनुवाल है उसे टीम, उन्होंने जिताना जिताना जो मर्जी कर लो। अच्छा, इंडिया आईसीसी में इन्वॉल्व है इसलिए जिताना था। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, क्रिकेट को तीन बंदों ने तबाह किया। किन किन ने? सबसे पहले जुआरिया, अच्छा उसके बाद ये मीडिया सोशल मीडिया, अच्छा। पहले पीटीवी था, कुछ भी नहीं था, अब हर तीसरा बंदा उठ के, अच्छा इन्होंने ये किया, जीत गए हम, जब हारते हैं उनकी। ठीक है, तीसरा किसने? तीसरा वो जो पाना सीते वाले दुकान पे बाबा नहीं तोती पहन के देखता, अच्छा उत्तर की हो रहा है जी, मैच लगा, अच्छा छिका मारा बाबा। इन सब ने ये कहा जी साउथ अफ्रीका को कर रहे थे, इंडिया को क्यों नहीं थे कर रहे? पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ और हमें बांग्लादेश से भी ऐसे कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो देखने को मिली कि लोग जो है ये दुआ कर रहे थे कि इंडिया हार जाए साउथ अफ्रीका जीत जाए। क्या वजह है? नेबर कंट्री हमारा जो है इंडिया है, हम दुआ कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, हमारी लगती है इसीलिए दुआ कर रहे हैं लोग, और क्या है, आप जब लगाए क्रिकेट के मामले में लगती है उनके इंडिया के साथ। बिल्कुल, वैसे आना जाना तो है ही है, ठीक है, सिख वो सिख बरादरी नहीं आती, दूसरे हिंदू बरादरी नहीं आती, पाकिस्तान नहीं जाता वहाँ पे, सब कुछ है। अच्छा बांग्लादेश के बारे में तो सुना था उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है, हमारी तो चलो लगती है, ठीक है, वो भी खुश हो रहे थे कि मतलब चाह रहे थे कि इंडिया हार जाए साउथ अफ्रीका जीत जाए, सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल हुई है। भी लगती है जैसे हमारी अफगानिस्तान के साथ भी तो लगती है, लेकिन अफगानिस्तान वाले इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वो उनको करेंगे, क्या वजह? उनको सपोर्ट आती है, इंडिया की सपोर्ट आती है तो वो करते हैं। अच्छा इंडिया से मतलब हेल्प आती है? बिल्कुल आती, लेकिन बांग्लादेश देखिए मेरी बात, क्रिकेट को अरूज किसने दिलाया? किसने? अफगानिस्तान को। किसने? पाकिस्तान ने। हाँ ये कहा जाता है कि कहा नहीं जाता, जमामुल हक साहब जिनको हाजी नहीं, हाजी लोग नहीं कहते उनको हाजी कहना चाहिए, वो वहाँ जाके वन ईयर रहे हैं मुसलसल, उनको क्रिकेट सिखाई, सारा कुछ किया, ये है। नहीं है अच्छा उन्हें क्रिकेट सिखाई, लेकिन आप उन्हीं के प्लेयर आईपीएल भी खेल रहे हैं, मतलब इंडिया में जाके लीग खेल रहे हैं, तो इस वजह से वो ग्रूम भी तो हुए हैं ना। ग्रूम के अलावा वैसे भी वो इंडियन प्लेयर पाकिस्तान से जलते हैं, डरते हैं, ये खड़े हो गए तो ये हमारे नाम नहीं रहेगा। चाचा चाचा ज्यादा हो रहा है, हमारे प्लेयर से जलते हैं, डरते हैं, छड़ते हैं। अबे चाचा रहने दो, रहने दो, 120 रन नहीं बना पाई तुम्हारी टीम, लड़खड़ा के गिर गई मैदान में, और वो तो छोड़ो तुम्हारी नल्ली पाकिस्तान टीम सुपर 8 में भी नहीं जा पाई, कितनी लानतान हो रही है तुम्हारी टीम के अंदर, तुम्हारे लोग कर रहे हैं, और तुम हमारी इंडिया टीम को जो कि विश्व चैंपियन है उसको कह रहे हो कि वो डरती है, जिसने एक भी मैच नहीं हारा पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और हिस्ट्री में पहला ऐसा टूर्नामेंट हुई है कि वर्ल्ड कप विजेता टीम ने एक भी मैच नहीं हारा, और तुम कहते हो कि हमसे करते हैं। अबे मूंग मसूर की दाल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो चाचा तुम्हारी बातें सुन के हमको हंसी आती है, चिंता मत करो, गुस्सा नहीं आ रहा। क्या करते हैं मियां साहब? सर ये गार्मेंट्स का काम करते। कैसा चल रहा है बिजनेस? बस ये देख लें ये क्या हालात है, ये ऐसे ही है सारा कुछ। नहीं मतलब अच्छा चल रहा है या नॉर्मल चल रहा है या बुरा चल रहा है? सर है ही नहीं, आपके मुल्क में है क्या? पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, हमें तो ये बताया गया है पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज मौजूद है, पता नहीं कौन कौन से मौसम, मतलब हर चीज मौजूद है। आप ये अभी जाके देखे, देखे पानी है इसमें नहीं, तो फिर इसी तरह ही है पाकिस्तान। जब दरिया में पानी नहीं ना होगा तो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं होगा। अच्छा ये एक बड़ा आपने टेक्निकल सी बात की है। अच्छा मुझे बताएं क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप गुजर गया, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो सबके सामने, अब तो उससे बात करने का भी दिल नहीं करता, अपनी शर्म अपने लिए ही वो इंसल्ट वाली बात है कि जो जैसी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताएं इंडिया का सपोर्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने एफर्ट की पूरे वर्ल्ड कप में, जैसे अनबीटन रहे, बगैर कोई मैच हारे वो फाइनल तक पहुंचे? देखिए जी फाइनल में मैं और मेरी फैमिली, हाँ पूरी पूरी फैमिली की यही दुआएं थी कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, इंडिया। चाचा तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे नल्ले पाकिस्तान, तुम्हें नल्ली पाकिस्तान टीम की तरह निरर्थक है, बेकार है। अबे जाहिलो अगर तुम्हारी दुआओं में इतना दमी होता तो तुम्हारी पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर निकलती क्या? तुम्हारी दुआओं से कुछ नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है, तुम तो रोज दुआ पढ़ते हो कि या अल्लाह सारे काफिर मर जाए, मरते हैं क्या? तुम्हारी दुआओं से अच्छा मेरे मंत्र ले लो तुम, मैं मंत्र दे दूंगा तो वो ज्यादा असर कर जाएंगे, तुम मत किया करो भाई, तुम दुआ दुआ। क्या वजह उसकी? देखिए इंडिया जो है ना उसने जब ये वर्ल्ड कप हुआ 50+ सबरों का, उसको अपने ही बंदे खड़े करके अपनी पीछे अपने ही वो आईसीसी वाले जो होते हैं उनके वो अपने बंदे हैं। नहीं वो तो हुआ इंडिया अभी में भी आप देखेंगे ना तो सोशल मीडिया पे वो कैच का चल रहा है कि वो
पैर लग गया था बाउंड्री को, ठीक है, वो आउट था, अंपायर ने आंखें बंद कर ली हैं, ठीक है, पता नहीं डॉलर खाए या पाउंड खाए। आपको नजर आया था बाउंड्री को पाउंड लग गया? आप सोशल मीडिया पे देखे? नहीं, आप अपनी बात करें, आपको नजर आया था वीडियो में? उस वक्त तो दिखाया ही नहीं उन्होंने, ये चीज तो बाद में हाईलाइट हुई है। मैं कह रहा हूँ बाद में कोई वीडियो आपने देखी? हाँ मैंने देखी। पाउंड लगा? हाँ जी। मुझे बताए, अगर आपने, मतलब हम पाकिस्तान में बैठ के ये बात कर सकते हैं कि मैंने ये वीडियो देखी कि भाई पाउंड लग गया जिसने कैच पकड़ा प्लेयर ने, सूर्या कुमार यादव ने, एडी जो ना उसकी बिल्कुल साठ टच हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने देख लिया तो वहाँ आईसीसी के कितने कैमरे लगे हैं, उधर कितने लोग, साउथ अफ्रीका के लोग कितने मौजूद हैं, मतलब उन्होंने क्यों नहीं इसके ऊपर पॉइंट लिया? हाँ, आईसीसी आई तो बिल्कुल अंधी है, हजारों कैमरे मैदान के अंदर है, हजारों दर्शक है, वो सारे अंधे हैं, करोड़ों लोग टीवी पे देख रहे हैं मैच को, वो सब अंधे हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एकदम दूध के दूल्हे हैं, ये सच्चे हैं, बाकी सारे झूठे हैं। इन पाकिस्तानी और इन बांग्लादेशी की आज सारी गलतफहमी दूर कर ही देते हैं। सूर्य कुमार का जो कैच जिसको कह रहे हैं कि बाउंड्री टच की थी, उसको देखते हैं अपन। तो इस वीडियो को दोबारा देखते हैं। यहाँ रोहित शर्मा खड़ा है, वो देखो वहाँ पे आया सूर्य और ये अंदर। एकदम ध्यान से देखना, यहाँ उसका लेफ्ट लेग एकदम बाउंड्री के अंदर है, देख लो कितना गैप है। ये देखो यहाँ उसने बॉल छोड़ दी और अब ये बाउंड्री के बाहर गया और ये अंदर आ रहा है और ये जंप किया बाउंड्री के अंदर, एकदम दोनों पैर क्लियर अंदर और ये कैच ऑफ द डेकेड। तो पाकिस्तानियों, इस वीडियो को अच्छे से दिल खोल के देख लेना, आंखें फाड़ के देख लेना अपनी, और अपनी जितनी भी गलत फहमी आना सब दूर कर लेना। खैर होएगी तो नहीं, तुम्हारे अंदर आसमानी ज्ञान जो भरा हुआ है, और आसमानी ज्ञान वाले तो वैसे दिमाग से पैदल होते हैं। तो तुम तो अपने मन में बहम पाल के रखो, लेकिन एक बात याद रखना कि भारत अगले 2 साल तक के लिए विश्व चैंपियन है, था और रहेगा, और ये बात तुम्हारी छाती में आग लगाएगी आग। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका है। आप भी इन पाकिस्तानियों को रगड़ा लगाइए, बांग्लादेशियों को तगड़ा लगाइए। बांग्लादेशी भैया तुम बहुत ज्यादा वीडियो बना रहे हो मेरे ऊपर, है शर्म करो, बना रहे हो तो हिंदी में बनाओ तो आपका भाई समझ जाए, इंग्लिश भी कमजोर है, बांग्लादेशी तो आती नहीं है, हिंदी में बनाओ हिंदी में, ताकि मेरी ऑडियंस को भी मैं दिखा सकूं। आप लोग अपना ख्याल रखे, आपको आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।